राजस्थान के अजमेर जिले की नसीराबाद विधानसभा सीट की राजनीति सबसे अलग है। एक समय था जब ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2013 से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में इस बार कांग्रेस वापसी करने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वही बीजेपी भी हैट्रिक मारने की फिराक में है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी जैसलमेर विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे नसीराबाद विधानसभा सीट की। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से शिव प्रकाश गुर्जर को मैदान में उतारा गया है, तो वही बीजेपी की ओर से श्री राम स्वरूप लांबा मैदान में उतरे हैं। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लगभग 2,32,123 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। वही अगर यहाँ के जातिगत समीकरण पर गौर करें तो इस क्षेत्र में गुर्जर और जाट समाज का दबदबा है, और इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, SC/ST जाति के मतदाता भी यहाँ अच्छी खासी संख्या में है, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर 2018 के चुनाव की बात करें तो उस समय सीट पर 2,10,579 मतदाता थे, जिनमें से 1,07,808 पुरुष और 1,02,780 महिला वोटर्स थे, जिसमें से कुल 1,68,139 लोगों ने वोट डाले थे। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा ने कांग्रेस उम्मीदवार रामनारायण को 16,684 वोट से हराकर जीत हासिल की थी, और बीजेपी से रामस्वरूप लांबा को कुल 79,409 वोट मिले थे। ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन दो बार से बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमा रखा है। इससे पहले साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में नसीराबाद विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सावरलाल ने 84,953 वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र सिंह के खाते में 56,053 वोट आए थे और उन्हें 28,900 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। नसीराबाद विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है। इस बार नसीराबाद सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये जनता तय करेगी। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।